अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज फाइजा वसीम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली थंबनेल्स जो हैं वो हमारी वीडियोस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारी वीडियो वॉच करता है तो सबसे पहला इंप्रेशन हमारा थंबनेल होता है। वीडियो वॉच करने से पहले कोई भी सबसे पहला हमारा थंबनेल देखता है, तो हमें फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा रखना है कि कोई भी जब हमारा थंबनेल देखे तो वो वीडियो को वॉच किए बगैर रह ही ना सके। तो बेसिकली थंबनेल्स जो है वो हमारी वीडियोस के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। अब हम लोग आज की वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग आई कैचिंग थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो, जिसकी वजह से कोई भी अगर आप लोग का थंबनेल देखे तो वो आपकी वीडियो को जरूर वॉच करे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग तीन तरह से जो है वो सीखेंगे थंबनेल्स क्रिएट करना। फर्स्ट वे में हम सिंपल ये देखेंगे कि जिस तरह से मैं अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल्स क्रिएट करती हूँ। लाइक आप लोग देख रहे हो मेरी डिफरेंट वीडियोस के जो है वो डिफरेंट थंबनेल्स हैं। तो मैं खुद किस तरह से अपनी वीडियोस के लिए थंबनेल्स क्रिएट करती हूँ सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग ये देखेंगे कि एक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, हम लोग देख लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे पास कौन सी रिक्वेस्ट आई थी। सेकंड नंबर पे हम लोग इस तरह के थंबनेल्स क्रिएट करना सीखेंगे। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि हम लोग इस टाइप के थंबनेल्स किस तरह से बना सकते हैं जिसमें कोई भी जो है वो करेक्टर होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है और फिर वो अपना वीडियो का जो है वो टाइटल दिखा रहे होते हैं उसमें। मीन्स आप लोग अगर खुद अपनी अपने तरह से वीडियो बनाते हो तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप खुद की पिक्चर उसमें लगाओ, वो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग ये देखेंगे। और थर्ड वे हम लोग जो देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि किस तरह से आप लोग बहुत ही इजीएस्ट वे में जो है वो थंबनेल्स बना सकते हो बगैर किसी मेहनत के। तो मोस्टली मैं भी जो है वो थर्ड वे यूज करती हूँ। फर्स्ट वे और थर्ड वे मेरा खुद का अपना है और जो सेकंड वे है ये हमारे पास रिक्वेस्ट आई है। हम लोग इस तरह से भी थंबनेल्स क्रिएट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट वे देख लेते हैं जिसमें हमारे पास एक सिंपल सा बैकग्राउंड होगा और हम लोगों को टेक्स्ट एडिट करना है लाइक इस तरह से, ये वाला जो आप लोग मेरा थंबनेल देख रहे हो। तो इसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना गूगल ओपन कर लो। गूगल में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है एच डी बैकग्राउंड्स। लिखकर जब आप लोग इमेजेस के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के पास काफी सारे एच डी बैकग्राउंड जो है वो शो होंगे। यहाँ से आप लोगों ने कोई भी एक अच्छा सा जो है वो जो आपका कलर फेवरेट हो उस हिसाब से आप लोगों ने अपना बैकग्राउंड जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला बैकग्राउंड उठाती हूँ, ठीक है, इसको लोडिंग कम्प्लीट होने देनी है आप लोगों ने। नीचे यहाँ पे जब लोडिंग कम्प्लीट हो जाए तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आप लोगों ने कॉपी इमेज करना है और यहाँ पे पावर पॉइंट पे ओपन करके इसको कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। तो आप लोग का यहाँ पे ये बैकग्राउंड आ जाएगा। डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं थंबनेल्स क्रिएट करने के लिए। कोई अडोब फोटोशॉप यूज करता है, कोई कुछ और सॉफ्टवेयर यूज करता है, बट मैं सिंपल पावर पॉइंट यूज करती हूँ, उसी के थ्रू अपने थंबनेल्स क्रिएट करती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे इस बैकग्राउंड को जो है वो रिसाइज कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको रिसाइज कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल आप जो भी अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो इस बैकग्राउंड के ऊपर आप लोग वो लिख सकते हो। सबसे पहले आप लोग ने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से अपने हिसाब का कोई भी वर्ड आर्ट सिलेक्ट कर लो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हाउ टू क्रिएट थंबनेल्स। ठीक है, आप लोगों ने जब अपना जो भी आप लोगों का टाइटल है आप यहाँ पे लिख दो, इसको जो है वो पोजीशन इसकी अपने हिसाब से रख दो। इसका आप लोग इसको सिलेक्ट करके इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हो लाइक यहाँ से होम पे जाके, और यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स आप लोगों को अवेलेबल होते हैं, आप जो है वो देख चेक कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा उठा के साइड पे कर देती हूँ ताकि आप लोग को नजर आए, और इसका यहाँ से आप लोग साइज भी चेंज कर, यहाँ से आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड अपने अपने टेक्स्ट के लिए सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आप लोग के हिसाब से सूटेबल हो। ज्यादातर आप लोगों को वो बैकग्राउंड रखने हैं जो थोड़े बोल्ड हो। बोल्ड होंगे तो दिखने में नजर आएंगे, क्योंकि जब हम लोग की वीडियोस कोई भी थंबनेल लिखता है तो काफी छोटा नजर आता है। तो आप लोगों ने टेक्स्ट ऐसा रखना है जो कि बोल्ड हो। इसको यहाँ से इसके बैकग्राउंड के हिसाब से रख लो। इसका आप यहाँ से कंट्रोल ए करके फॉर्मेटिंग कर सकते हो, डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाह रही हूँ कि इसका जो अंदर का कलर है वो डिफरेंट कलर में आए लाइक किसी और कलर में, तो यहाँ से मैं ये वाला कलर सिलेक्ट करके ओके प्रेस करती हूँ तो आप लोग देखो इसका कलर चेंज हो चुका है। इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग आप लोग कर सकते हो। इसको शेडो दे सकते हो कोई भी,
ये देखो आप लोग, इसका शेडो जो है वो टेक्स्ट का चेंज हो रहा है। हम लोग जो है वो ये रख देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहां से टेक्स्ट आउटलाइन चेंज कर सकते हो कि आपकी जो टेक्स्ट की आउटलाइन है वो किस कलर में होनी चाहिए। यहां से ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोग टेक्स्ट इफेक्ट पे डिफरेंट शेडो के अलावा डिफरेंट रिफ्लेक्शन वगैरह अप्लाई कर सकते हो कि किस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो, अपने हिसाब से देख लो। यहाँ पे आप लोग डिफरेंट ग्लो दे सकते हो अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से, ठीक है। ये ग्रीन कलर, डिफरेंट कलर्स में आप लोग ग्लो दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग अपने जो शेप है उसका भी कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपको डिफरेंट शेप के कलर्स दिखाएगा। आप लोग चाहो तो शेप कलर्स भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इस तरह रख लो, जो भी आपको हिसाब सूटेबल रहे आप लोग उस तरह से अपने टेक्स्ट जो है वो शेप के कलर्स भी चेंज कर सकते हो। ये तो था हमारे पास सिंपल वे कि आप लोग एक सिंपल सा बैकग्राउंड आप लोगों ने गूगल से ले लिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और उसकी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। इसके अलावा ये कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर इस टाइप का कोई थंबनेल क्रिएट करना चाह रहे हो, मैं दिखा देती हूँ एक दफा। ये देखो, ये वाला थंबनेल मैंने जो क्रिएट किया था, तो इसमें मैंने सिंपल क्या किया है, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज है, बाकी सब कुछ वही है। यहाँ से आप लोगों ने जो है वो प्लेन बैकग्राउंड के बजाय कोई जो आप लोगों का जिस टाइप की भी आप लोग की वीडियो है उस हिसाब से अपना बैकग्राउंड रख लो। लाइक मैंने रखा था जो भी आप लोग की वीडियो है जिस हिसाब से भी कोई आप लोग, तो उस हिसाब से आप लोग अपना कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैंने इस ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। अब मुझे बस यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, मैं इसी टेक्स्ट को यहाँ से कंट्रोल ए करके कंट्रोल एक्स कर देती हूँ और यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ। इसके ऊपर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, और इसको कंट्रोल ए करके इसका साइज थोड़ा कम कर देते हैं। आप लोग अपने हिसाब से जिस हिसाब से भी चाहे फॉर्मेटिंग इसको कर सकते हो, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे प्लेस करते हैं और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। इसकी शेप को डिफरेंट कलर्स दे देते हैं, लाइक इस तरह से, ठीक है। और इसका टेक्स्ट जो कलर है वो हम कर देते हैं पिंक कलर का, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। मीन्स ये कि आप लोग की वीडियो जिस चीज से भी रिलेटेड है ना, फॉर एग्जाम्पल जिस चीज से भी रिलेटेड है, आप लोग सिंपल गूगल पे वो सर्च करो और उसके हिसाब से कोई भी इमेज उठाओ और वहां पे साइड पे जो है वो अपना टेक्स्ट एडिट कर दो और इसको जो है वो दोनों को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे सेव इमेज एज डेस्कटॉप पे सेव कर दो और वो अपना थंबनेल, ऐसा थंबनेल आप लोग यूज कर सकते हो। ये था हमारे पास सेकंड वे। पहला वे हमने देखा सिंपल बैकग्राउंड के थ्रू, दूसरा वे देखा आप लोग कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसको यूज कर सकते हो। थर्ड वे हम लोग देखते हैं, थर्ड वे हम लोग ये देखते हैं कि आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी इसी वीडियो में, सॉरी इसी थंबनेल में कोई उर्दू एड करना चाह रहे हो, तो यहाँ से आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपना गूगल ओपन करो, ठीक है। और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है गूगल इनपुट, गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन, गूगल इनपुट टूल्स ऑनलाइन लिखकर जब आप लोग एंटर प्रेस करोगे तो यहां से जो आप लोग के पास फर्स्ट लिंक आए इसके ऊपर क्लिक करना, जो भी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में भी अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ उर्दू ही सिलेक्ट करो, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। आप लोग को जिस लैंग्वेज में भी अपना टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ से सिलेक्ट करो। मैं यहाँ से उर्दू सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे इस एरिया में आप लोग जो भी अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे वो सिंपल उर्दू में टाइप होता हुआ आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करती हूँ गूगल, आप लोगों का जो भी टाइटल है आप लोग वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। गूगल लिखकर मैंने एंटर किया तो आप लोग देखो गूगल उर्दू में लिखा हुआ शो हो गया। इसको मैं कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करती हूँ और यहां से अपने इमेज के ऊपर जाके कंट्रोल वी,
ठीक है, इसका आप लोग कंट्रोल ए इसका साइज बड़ा कर दो अपने हिसाब से, और यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग करके इसका टेक्स्ट चेंज कर दो। आप लोग का जिस हिसाब से भी थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो वो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हो इजीली। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ये हमारे पास उर्दू में लिखा हुआ आ गया। इस तरह से आप लोग अपने थंबनेल्स उर्दू में भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ हम लोग थर्ड वे, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी उसमें मुझसे ये पूछा गया था कि आप लोग इस तरह के थंबनेल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लोग कोई ऐसी वीडियोस बनाते हो जिसमें आप लोग खुद एज खुद जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, तो और आप लोग को इस तरह का कोई थंबनेल बनाना है जिसमें आप लोग खुद की पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपनी पिक्चर जो सेव करनी है वो ऐसी सेव करनी है जिसका बैकग्राउंड सिंपल एक ही कलर में हो, डिफरेंट कलर्स में बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग अपना गूगल ओपन करो। ठीक है, आप लोग के पास आपकी खुद की पिक्चर होनी चाहिए इस तरह का थंबनेल क्रिएट करने के लिए, और कोई भी बैकग्राउंड वगैरह सिलेक्ट कर लो। तो हम लोग सबसे पहले, पिक्चर तो मेरे पास है नहीं तो हम लोग कोई कार्टून यूज कर लेते हैं। ठीक है, मैं कोई कार्टून की इमेज ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो एज अ ऑब्जेक्ट रख लेंगे। यहाँ पे जो पर्सन अवेलेबल है, अब इसकी इमेज तो मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं इसकी जगह कोई कार्टून ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से इमेजेस पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला कार्टून सिलेक्ट किया और इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी इमेज कर लेती हूँ, वापस पावर पॉइंट में आके इसको कंट्रोल वी कर लेती हूँ, ये मेरे पास पावर पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, ये कार्टून करेक्टर मेरे पास आ चुका है। यहाँ से मैं इन सब चीजों को डिलीट कर देती हूँ, इसको साइड करती हूँ और यहाँ से मैं इन सबको डिलीट कर देती हूँ और इसको मैं थोड़ा क्रॉप कर लेती हूँ। यहाँ से क्रॉप के बटन पे गए, इसलिए जो लोगो वगैरह है इसलिए यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, ऐसा कोई आप लोगों ने अपनी खुद की ऐसी पिक्चर लेनी है जिसका बैकग्राउंड एक ही कलर में हो, सिंपल या तो व्हाइट हो जाए या पूरा ब्लैक हो जाए, उससे क्या होगा आप लोग ट्रांसपेरेंसी खत्म कर सकोगे। अच्छा, हम लोग पहले ये थंबनेल क्रिएट करके देख लेते हैं किस तरह से करना है। कार्टून इमेज ले लिए, कोई बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं इधर से। कोई भी बैकग्राउंड ले लें फिलहाल, आप लोग अपने हिसाब से ले लेना जो भी आप लोग को पसंद हो। इसको मैं कॉपी इमेज कर लेती हूँ और वापस पावर पॉइंट में आके कंट्रोल वी। ठीक है, मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, बैकग्राउंड आ गया। अब सिंपल मुझे क्या करना है, इसको रिसाइज कर लेती हूँ सबसे पहले, और इसको थोड़ा और रिसाइज थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को इजिली नजर आ जाए। ठीक है, मैं इस पर राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक करती हूँ, ये पीछे चला जाएगा और मेरा ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब आप लोग देख रहे हो अगर आप लोग अपनी कोई इमेज लगाओगे तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड मुझे पीछे से नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे व्हाइट शेड नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंट करना चाह रही हूँ इस इमेज को, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, गूगल में जाओ और गूगल में जाके यहाँ पे आप लोग लिखोगे लूना पिक, रुको एक मिनट, यहाँ पे सिंपल बार मैं गूगल का पेज ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग लिखोगे लूना पिक ट्रांसपेरेंट, एंटर प्रेस किया, जो फर्स्ट वाला लिंक आए इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, और यहाँ से जो भी आपकी खुद की इमेज है ना उसको यहाँ से अपलोड कर लो। ये वाली इमेज पहले मैं अपने पास डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। आप लोग के पास जो भी आपकी खुद की इमेज होगी लाजमी सी बात है वो कहीं ना कहीं सेव होगी। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, लूना पे ट्रांसपेरेंट लिख के फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी वो इमेज जो है वो यहाँ से उठा लेनी है। मैं इस कार्टून करेक्टर को उठा लेती हूँ इधर से, ये रहा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगी पिक्चर। अब आप लोग देखो जो आप लोग का बैकग्राउंड है ना जिसको आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट करना है उसके ऊपर सिर्फ एक दफा क्लिक कर दो। अगर मैं इस वाले चीज को ट्रांसपेरेंट करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे व्हाइट कलर पे मैं क्लिक करूंगी, तो थोड़ी देर में देखना आप लोग की पूरी इमेज मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ये देखा आपने, पूरी इमेज मेरे पास ट्रांसपेरेंट हो गई। इस पे मैं राइट क्लिक करती हूँ और इस इमेज को सेव कर लेती हूँ दोबारा डेस्कटॉप पर। ठीक है, अब आप लोग देखना कितना डिफरेंस आता है हमारे पास। अभी इस इमेज को देख लो और जब हम लोग उस वाली इमेज को रखेंगे तो आप लोग देखना कितना डिफरेंस आता है।
ये रही हमारे पास जो भी मैंने इमेज सेव की है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देती हूँ और इधर दोबारा पावर पॉइंट में आके जब कंट्रोल वी करूंगी तो आप लोग देखो अब मुझे बैकग्राउंड बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। इस तरह की इमेज नहीं है, मैं इस वाली इमेज को मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। और ये वाली इमेज आप लोग अपना खुद की जो इमेज हो उसको इस तरह से रख लेना सिंपल। आप लोगों ने अब क्या करना है, यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एडिट कर दो, इंसर्ट में जाओ, वर्ड आर्ट में जाओ, यहाँ से कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करो और यहाँ पे लिख दो जो भी आप लोग का टाइटल है। ठीक है, अगर आप लोग इस टाइटल को कोई शेप देना चाहते हो तो यहाँ से इंसर्ट में जाके शेप्स में जाओ और यहाँ से आप अपने हिसाब से जो भी शेप देना चाहो वो इसको दे सकते हो। पहले लेकिन आप लोग को उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, उसका कलर चेंज करना पड़ेगा, तभी आप लोग को वो शेप नजर आएगी। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप लोगों ने ये सब कुछ करना है। यहाँ से चेंज शेप में जाके आप लोग इसकी शेप को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से और उसका कलर शेप फिल में जाओ, कलर चेंज कर दो। तो आप लोगों ने देखा हमारे पास कलर चेंज हो चुका है, शेप चेंज हो चुकी है और जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट रखना है वो टेक्स्ट आ गया होगा। अब आप लोग देखो थोड़ा थोड़ा जो है वो इस टाइप की इमेज लग रही है। आप लोगों ने इसमें सिंपल क्या था, एक बैकग्राउंड था, जो भी आपको सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से सिलेक्ट करो, अपना अपनी इमेज अपनी खुद की इमेज सिलेक्ट करो और जो है वो टेक्स्ट रख दो जिस भी शेप में आप लोग को चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो अपने थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हो। अब थर्ड में देखते हैं हम लोग इजीएस्ट वे, उसमें आप लोगों ने क्या करना है। मैं ज्यादातर ये वाला ही थर्ड मेथड यूज करती हूँ। इसमें मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जिस हिसाब से भी मेरा जो वीडियो है, ये वाला जो थंबनेल है ये मैंने खुद ने क्रिएट नहीं किया था। मैंने सिंपल क्या किया, यहाँ पे मेरे पास है हाउ टू स्पीड अप कंप्यूटर परफॉर्मेंस। तो आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, गूगल में जाओ और जो भी आप लोग का टाइटल है ना सिंपल वो लिखकर एंटर प्रेस कर दो, हाउ टू स्पीड अप कंप्यूटर। और यहां से इमेजेस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग के पास डिफरेंट इमेजेस आ जाएंगे हाउ टू स्पीड अप कंप्यूटर से रिलेटेड। तो आप लोगों ने जो भी इमेज पसंद आई है आप लोग वो सिलेक्ट करो, उसको राइट क्लिक करके कॉपी इमेज करो, पावर पॉइंट में आके कंट्रोल वी करो और सिंपल उसका बैकग्राउंड चेंज कर दो या उसके ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दो तो उससे वो आपका खुद का थंबनेल बन जाएगा। आप लोगों को जो है वो इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल इसको मैं यहां से डिलीट करती हूँ, इसको साइट, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो और जो है वो इसके ऊपर कोई और टेक्स्ट वगैरह ऐड करके अपनी पिक्चर सेव कर लो तो इससे वो आपका खुद का थंबनेल बन जाएगा। कॉपी का भी इशू नहीं होगा कि आप लोगों ने किसी का थंबनेल कॉपी किया है और आप लोग को जो है वो अच्छे से फॉन्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। आपने देखा मैंने सिंपल क्या किया, एज इट इज थंबनेल उठाया और उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। बैकग्राउंड चेंज किया और इस कार्टून कैरेक्टर को भी इसके ऊपर रख देते हैं ताकि थंबनेल थोड़ा और डिफरेंट हो जाए। अब इसको हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा कॉपी थंबनेल है। इस तरह से आप लोग थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, इन सबको सिलेक्ट करो, ठीक है, राइट क्लिक करके सेव इमेज है जहां पे भी आप लोग को सेव करनी है इस इमेज को सेव कर लो और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। अच्छा, अगर आप लोग को किसी और का थंबनेल पसंद है, लाइक मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर कुछ भी सर्च करती हूँ, अगर मैंने लिखा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर
ठीक है, आप लोग कोई ऐसी वीडियो बना रहे हो जो कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर है और आप लोगों को कोई थंबनेल नहीं मिल रहा, ना गूगल से मिल रहा है, ना आप लोग को समझ आ रहा है कि आप लोग किस तरह के थंबनेल्स बनाओ, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे ही आप लोगों को कोई कोई थंबनेल पसंद आ गया, लाइक आप लोगों को ये वाला थंबनेल पसंद आ गया या ये वाला, आप लोग अगर चाहते हो कि मैं इसी थंबनेल को डाउनलोड करूँ तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, इस वीडियो के एंड में वो आप लोग के पास शो हो जाएगी। आप लोग चाहो कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यहीं से कोई थंबनेल डाउनलोड कर लो तो इस वीडियो के एंड में आप लोग के पास वो वीडियो शो हो जाएगी। उसमें मैंने ये बताया हुआ है कि आप लोग किस तरह से यूट्यूब से ही कोई थंबनेल डाउनलोड कर सकते हो, आप वो वहां से सीख सकते हो, वीडियो के एंड में आप लोग के पास वो शो हो जाएगी, आप लोग वहां से देख लेना। ठीक है, तो आज हमने तीन वेज देखे, एक सिंपल थंबनेल क्रिएट करना देखा कि किस तरह से आप लोग सिंपल थंबनेल बना सकते हो, इसके अलावा हम लोगों ने आज ये देखा कि हम लोग अगर आप लोग खुद का कोई करेक्टर यूज करते हुए बनाना चाहते हो थंबनेल वो किस तरह से बना सकते हो, या थर्ड वे आप लोग सिंपल क्या गूगल से कोई भी इमेज कोई भी थंबनेल डाउनलोड किया, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, उसके ऊपर कोई कार्टून करेक्टर लगा दिया या कुछ और जो है वो ऐड कर दिया, अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर दिया और इस तरह से आप लोग खुद का अपना अलग से थंबनेल बना सकते हो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा बेनिफिशियल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।